पंजाब में बिजली की बचत करने के लिए अब पंजाब सरकार के आदेशों पर पंजाब के सरकारी दफ्तरों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज मोगा के मार्केट बोर्ड दफ्तर में 75 KV का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। इसके लगने से विभाग को हर साल करीब 50 लाख रुपए की बचत होगी। इस बात की जानकारी मोगा की विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने दी है और उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है कि पंजाब के सभी दफ्तरों में ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे ताकि पंजाब में बिजली की किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो और कमी ना रहे। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। अज साडे मोगा विखे साडे मंडी बोर्ड वालों सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये 75 KV का जिहड़ा हैगा सोलर प्लांट लगे है मोगा विच। इहदे नाल तकरीबन 50 लाख रुपया पर ईयर जिहड़ी बिजली की बचत होएगी। और साडा होर भी साडा यही मोटिव है कि जिन्नियां भी साडियां सरकारी बिल्डिंग्स हैगियां आने वाले समय के उन्हां ते भी जिहड़े सोलर प्लांट इंस्टॉल करके असी बिजली की बचत कर सकीए, क्योंकि साडी सरकार का यही मेन साडा मकसद हैगा कि असी अगे लैके जाइए अपने समाज नूं। और जिथों भी असी बचत कर सकते हाँ असी किसी वो चाहे किसी भी रूप के होवे वो करिए। और आने वाले दिनों के असी होर भी जड़े सोलर प्लांट्स साडियां सरकारी बिल्डिंग्स के उत्ते इंस्टॉल करन वाले हैं। और मेरे वालों साडे सारे मार्केट कमेटी के साडे सैकटरी साहब, साडे चेयरमैन साहब सरदार हरजिंदर सिंह रोडे जी और DMO सर, सारे साडे स्टाफ का, साडे मैनेजमेंट के मैंबर साहबाना का और सारे का, साडे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का, साडे मिनिस्टर साहब का सरदार हरभजन सिंह जी का, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।